कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से आज की बड़ी खबर। जिला बुरहानपुर के ग्राम पंचायत मेथीखारी ग्राम में राशन की दुकान की एक बड़ी समस्या सामने आई है। दरअसल बात यह है कि मिली जानकारी के अनुसार शिकायत करते हुए गाँव के लोगों ने यह बताया कि हमारे ग्राम में राशन की दुकान का गोडाउन भवन पहले से बनकर तैयार है और इसके पहले 2 से 3 बार वितरण भी किया जा चुका है। अब यहाँ वितरण बंद होने के कारण यहाँ की बुजुर्ग महिला पुरुषों को पैदल 3 किलोमीटर चलकर तुरंत गुराड़ा ग्राम में जाने को मजबूर किया जा रहा है। गांव के नागरिक सुनील वहाँ एडवोकेट ने उप सरपंच राम सिंह की शिकायत करते हुए बताया कि हमारे गांव का उप सरपंच नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। जब उससे इसी गाँव में राशन दुकान में बांटने को की बात कही गई तो वह साफ इनकार कर देता है। वहां पर गाड़ी जाने का रास्ता नहीं और टाल मटोल कर देता है। ग्रामीण चाहते हैं कि हमें इसी गांव में राशन वितरण किया जाए ताकि हम 3-4 किलोमीटर जाने से हम कठिनाई से बच सके, क्योंकि राशन के चक्कर में हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी कभी तो वहां से खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। जिला बुरहानपुर से हमारे संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट, देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। भैया, क्या समस्या आपकी यहाँ गाँव की? मैं मेथाखारी का निवासी हूँ। यहाँ पर राशन की दुकान पिछले 4 या 5 वर्ष से स्थित है। यहाँ पर एक दो बार राशन मिल भी चुका है और यहाँ के लोगों को इतनी समस्या है कि 4 से 5 किलोमीटर दूर राशन लेने के लिए तुरंत गुराड़ा जाना पड़ता है। इस बात की सूचना सरपंच को दो तो सरपंच बोलता है इस विषय में यदि तुमने बात की तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, तुम बहुत राजनीति करते हो, नेतागिरी करते हो, ग्रामीणों में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैंने इसके लिए आवेदन भी बनाया है, श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी देना है कि राशन की दुकान यहाँ चालू होना चाहिए। इसके पहले पूर्व में चालू थी दुकान, बिल्कुल 2 बार लोगों को राशन मिल भी चुका है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ राशन मिलना चाहिए, दुकान चालू होना चाहिए ताकि सभी लोगों को राशन मिले, ताकि 4 या 5 किलोमीटर जाने से बच जाए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है सुनील वाघ। कहाँ से? मेथाखारी। बताओ भाई, क्या समस्या आपके गाँव में? होटल नहीं मिलते, हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं आप राशन लेने? गुराड़ा। कितने किलोमीटर है यहाँ से गुराड़ा? 4-5 किलोमीटर। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते हैं कि आप मिलने को नाम दो। तो आपने शिकायत करी कभी किसी से इसकी? बहुत बार शिकायत की। किससे शिकायत करी बताइए? सरपंच ध्यान नहीं दे रहा है, दादागिरी बताते हैं सरपंच, भगा जाते हैं, गाली गलौज करता है और पंचायत से लोगों को गाली देके भगा देता है। भगा देता है उप सरपंच राम सिंह। राम सिंह ज्यादा गाली देता है। क्योंकि यहाँ पर जो सरपंच है वो महिला अजा महिला है, वो कंपनी लिखी है। सारे काम उप सरपंच जो कि उसका नाम है राम सिंह पिता बल्लू, सारे काम वही करता है। वही चला था पंचायत, वही चला था पंचायत। कितना गांव में कितने मकान है अपने यहाँ? तकरीबन 2000 आ जाएंगे। अच्छा, 700-800 मकान। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ राशन मिले? हाँ, राशन मिल जाए ताकि गरीब लोग 4-5 किलोमीटर जाने से बच जाए। अच्छा, हम बोलने जाना पड़ता है, उतनी दूर से सिर पे लाना पड़ता है और साधन भी नहीं मिलता पानी बरसात का, और महिला जाती है और इधर भी नहीं मिलता कुछ नहीं, और सिर पे लाना पड़ता है। महिला के कब तक लाएंगे? इंसान सब काम को चले जाते। पूरे गांव का अनाज मिलता भैया? पूरे गांव का अनाज मिलता है? हाँ, मिलता है पूरे गांव का अनाज। बाया लोग सब जाते हैं, मतारी बाया भी जाते हैं। बुजुर्ग महिला जो कि 50-55 साल की महिला है वो पैदल जाती है राशन लेने के लिए, तो गिरते पड़ते बैठते उठते उसे चलती है, वो महिला जा रही है। पूरे गाँव का भला होगा यदि राशन यहाँ मिलेगा तो। सरपंच बात पर ध्यान नहीं दे रहा सरपंच। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील वाघ। कहाँ से? मेथाखारी।